हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग फिर से लेके आ गया। आज हम आए मड़िया शहर में। मड़िया शहर यानी कि हमारे गांव से 15 किलोमीटर पड़ता है, तो हम उधर आए। इधर बहुत ही अच्छा गार्डन वगैरह है, तो मैं आपको शो करता हूँ। ये गार्डन वगैरह मतलब कि रायसेन चौधरी द्वारा निर्मित है, तो मैं आप सभी को वहाँ का व्यू शो करता हूँ कि कैसा नज़ारा है। ये गाँव बहुत ही छोटा है, मगर बहुत ही अच्छा बनाया गया है। या फिर मंदिर के भी रंग आकार अच्छा है और गार्डन वगैरह भी अच्छा है, तो मैं आपको पूरा व्यू शो करता हूँ यहाँ का। तो देखते गाइस कैसा है। गाइस, पास में मंदिर बना हुआ है। हम अब गार्डन में जा रहे हैं, तो गार्डन का व्यू शो करते हैं आपको। तो हम इस वाले गार्डन में जा रहे हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ से हम गार्डन में जा रहे हैं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आई लव मड़िया भी लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति भी बनाई गई है। यहाँ से हमने एंटर किया है। पास में मंदिर बना हुआ है, जो कि आपको मैंने दिखा दिया है पहले ही। तो अब मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ पूरा। यहाँ पर भी खेलने के लिए झूले वगैरह है, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर विश्राम करने के लिए सीटें वगैरह बनाई गई है, देख सकते हैं कितने सारे झूले हैं। मड़िया गांव में स्थित ये झूले वगैरह। ये पानी के पीने का कुआं है। देख सकते हैं यहाँ पर हम घूम रहे हैं, थोड़ा टहल रहे हैं। पास में वो गेट है, देख सकते हैं कितना बड़ा गेट है। क्या व्यू आ रहा है यार, आलीशान, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ का गार्डन भी शो किया है कि कैसा है। आप देख सकते हैं पास में कितने झूले वगैरह बनाए गए हैं, देख सकते हैं। सौजन्य श्री रायसेन चौधरी द्वारा निर्मित झूले वगैरह, तो मैं भी झूलों का आनंद उठा रहा हूँ। इसमें एक महाराणा प्रताप जीएम चौक भी बना हुआ है, वो अभी आपको मैं बताता हूँ कि कैसा है। मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा, मगर ऐसे ही बताऊँगा। महाराणा प्रताप जीएम चौक बना हुआ है, सौजन्य श्रीमती गीता बाई मनरूप जी सोनी मड़िया द्वारा। महाराणा प्रताप की भी मूर्ति है, देख सकते हैं पास में।